बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके। यहाँ पर जुड़ करके आप पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे IPL के मैच नंबर 23 की, जो कि होने वाला है 28 अप्रैल 2021 को, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस मैच में दोनों ही टीम्स का, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। तो इसके कप्तान जो है MS धोनी, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो बन रही है वो बन रही है 7 जुलाई 1981 की। अंक शास्त्र के अनुसार अगर हम इनके डेस्टिनी नंबर की बात करें तो 6 इनका डेस्टिनी नंबर बन रहा है, जो डेट का टोटल बनता है। और साथ ही साथ इनके मूलांक की बात करें तो 7 इनका मूलांक है जो केतु का है। वहीं पे इनकी कुंडली की आंकलन की अगर हम बात करें तो इनकी जो कुंडली बन रही है कन्या लग्न और कन्या राशि की इनकी कुंडली है। बृहस्पति की महादशा इनकी हाल ही में आरंभ हुई है नवंबर 2020 में, और ये जो बृहस्पति की महादशा चलेगी ये नवंबर 2036 तक चलेगी। वहीं पे बृहस्पति की अंतरदशा भी चल रही है जो जनवरी 2023 में समाप्त होगी। अगर इनकी परफॉर्मेंस की इस मैच में बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि इनके प्रदर्शन में इस मैच को लेकर के काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, मगर जैसे जैसे ये अपने प्रदर्शन आगे आगे दिखाते जाएंगे तो इनका प्रदर्शन और भी ज़्यादा इस मैच के अंदर बेहतर होता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, मगर धीरे धीरे करके 3-4 बॉलों के बाद इनके परफॉर्मेंस में एक ठहराव आएगा और ये अपना परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर काफ़ी हद तक बेहतर दिखाएंगे। वहीं पे अगर हम प्लेयर्स की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स से, कौन कौन सी प्लेयर्स जो हैं अच्छा प्रदर्शन इस मैच पे दिखा सकते हैं, तो सैम करन है, रविंद्र जडेजा है, इमरान ताहिर है, सुरेश रैना है और मोइन अली हैं। ये प्लेयर्स जो हैं अपना प्रदर्शन अच्छा दिखा सकते हैं। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का ऑल ओवर अगर इस मैच के अंदर देखा जाए तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत अच्छी ही टक्कर ये दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एफर्ट्स अपने पूरे पूरे लगाएंगे और अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन भी इस मैच में दिखाएंगे। वहीं पर इनके खेलने वाली अगेंस्ट टीम की अगर हम बात करें यानी सनराइजर्स हैदराबाद की, तो डेविड वार्नर इसके कप्तान हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है वो मिली है 28 अक्टूबर 1986 की, और इनका जो डेस्टिनी नंबर बन रहा है वो बन रहा है 8, यानी शनि का इनका डेस्टिनी नंबर है। अगर इनकी कुंडली की हम बात करें तो सिंह लग्न सिंह राशि है इनकी, और साथ ही साथ अगर इनके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है इनका काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, मगर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस इस परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। जो एक्सपेक्ट इनके फैंस रखते हैं इनसे, वो चीज़ें इनकी फुलफिल नहीं हो पाएंगी इस मैच के दौरान। मगर अगर हम वहीं पे प्लेयर्स की बात करें तो केन विलियमसन है, राशिद खान है, विजय शंकर हैं, जॉनी बेस्टोव हैं, जो अपना प्रदर्शन इस मैच में काफ़ी हद तक अच्छा दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात करें कि पूरी टीम जो है अपना प्रदर्शन कैसा दिखाएगी, तो टीम का परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा, मगर धीरे 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 करके जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो जा सकता है। कंपैरिजन अगर करें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को, तो दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, मगर जैसे जैसे सनराइजर्स हैदराबाद का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाएगा, उसी तरह से अगर हम विनिंग टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस मैच को विन कर सकती है। तो और भी ऐसे ही जनरल प्रेडिक्शंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एस्ट्रो तक पे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।